हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ऑल्दो वी विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस के क्वेश्चंस हम लोग कुछ कुछ करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के भी करेंगे, है ना। आपको सुन के अजीब लगेगा कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्यों, बट हाइट्स एंड डिस्टेंसेज एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है। तो वी हैव टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। मैं कल के बारे में बता देता हूँ और फिर अपन ये एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मैंने आपको 3.3 तक होमवर्क दिया था, ये कर लो, क्योंकि अगर आप ये कर लोगे तो आपकी दो बातें हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। जो स्कूल की एग्जाम रहेगी आपकी, उसका आपको लोड नहीं रहेगा एंड यू विल बी फीलिंग गुड अबाउट दैट, ठीक है। तो और ओरल है ना, इट वॉन्ट टेक हार्डली मे बी 1 आवर, 1.5 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। सो लेट अस बिगिन। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़ी थी। कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब होता है ट्रायंगल के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो ट्रायंगल के अंदर ना ये पांच चीज तो होती ही होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी। अभी क्या है ना कि इनका वैल्यूज हमें याद होना चाहिए तो एडवांटेज रहेगा। अगर हमें याद नहीं रहता है तो आप हाल के हाल डिराइव कर सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है डिराइव करना। आपको मैं सिखा चुका हूँ, कोई भी दो पेयर ले लो, फिर उसके बाद ए प्लस बी जहां जहां दिखे उसको क्या लिख दो, पाई माइनस सी लिख दो बस, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप हाल की हाल डिराइव कर सकते हो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ये डाउट्स विनायक आप एनसीईआरटी के बता रहे हो क्या मुझे? हम इसको कल डिस्कस करेंगे ना, आज मैं आपका चैप्टर खत्म ही करवा दूंगा पूरा। तो फिर कल अपन एकदम फ्री हो जाएंगे, पूरा टाइम प्रैक्टिस ही चलती रहेगी, ओके। तो ये चारों आइडेंटिटीज जो मैंने ब्लू कलर की इंक से लिखी, इनको आप डिराइव कर सकते हो, इज दैट ओके? आप डिराइव नहीं कर सकते तो याद कर लो, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको डेडिकेशन दिखाना है तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको बस यही देखना है कि पहले साइन टू ए का सिग्मा है, इसको ऐसा बोल दो, सुनो इसको अब मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। यू कैन राइट एज साइन टू ए का सिग्मा, मतलब सिग्मा साइन टू ए। सुनो मेरी बात यहाँ पे, कि सिग्मा मतलब क्या होता है कि आप सम करते जाओ सारे साइन का वैल्यू, तो कितने यहाँ पर आपको एंगल मिलेंगे। ट्रायंगल है ना ये, तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में तीन ही एंगल होते, ए बी एंड सी। तो आपको ए बी और सी का जितना भी साइन टू ए होगा, मतलब जितना भी साइन होगा डबल एंगल्स का, ए का डबल एंगल, बी का डबल एंगल और सी का डबल एंगल, उन सबका साइन वैल्यू ऐड करना है। मतलब साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ये सिग्मा लिखने से अपना ये हो जाता है कि सारे साइन का वैल्यू आप ऐड करना चाह रहे हो। आ रही बात समझ में? और उसका वैल्यू बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब कैपिटल पाई, 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ साइन ए। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ साइन ए का मतलब यहां पर अपने को साइन ए बी और सी उन तीनों एंगल्स का प्रोडक्ट करना है। आ रही बात समझ? अच्छा, यहां पर भी आप वैसे लिख सकते हो कि अब ये हो गया सिग्मा कॉस टू ए, दिस इज इक्वल टू माइनस वन माइनस फोर टाइम्स पाई कॉस ए, ठीक है। मतलब सारे साइन ए का प्रोडक्ट, सारे कॉस ए का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं कॉस ए का प्रोडक्ट बोलता हूँ, सुनने में अजीब लगेगा, बट इसका मतलब ये होता है कि आपको कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीनों का प्रोडक्ट लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, तो अपन क्या लिखेंगे, सिग्मा कॉस ए इज इक्वल टू प्लस वन प्लस फोर टाइम्स पाई साइन ए बाय टू। उसी तरह से सिग्मा साइन है, देख रहे हो, सिग्मा साइन टू है, सिग्मा कॉस टू है, सिग्मा साइन है, सिग्मा कॉस है। यही चार चीज आपको निकालनी है। अगर आप याद रख सकते हो तो आपको एडवांटेज मिलेगा इसका, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा अभी एंड में, तो उससे अपन क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो सिग्मा साइन ए होता है 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए बाई टू, तो सारे कॉस ऑफ हाफ एंगल्स का प्रोडक्ट करना है। कितने एंगल से, तीन, तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है।
आपको नजर आ रहा है हर किसी में 4π तो आ रहा है, 4π तो हर किसी में आ रहा है, दिख रहा है आपको। और जब यहाँ पर 2a है, देखो इधर प्लीज, यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर a है, मतलब हाफ एंगल हो रहा है ना। और अगर यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर भी हाफ एंगल हो रहा है, यानी ऑब्जर्व, अगर यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर भी हाफ एंगल हो गया उसका, तो 4π। और साइन है तो साइन ऑफ हाफ एंगल, कॉस है तो कॉस ऑफ हाफ एंगल, ये 2a के लिए हो रहा है। लेकिन अगर मैं a के लिए बात करूंगा तो भी 4π तो आएगा ही आएगा, 4π तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन यहाँ पर ना आप देख रहे हो कॉस ही दिख रहा है तो साइन आ रहा है, और साइन ही दिख रहा है तो कॉस आ रहा है, दिख रहा है कॉस में साइन हाफ एंगल, साइन में कॉस हाफ एंगल। 4π तो है भाई साहब, 4π तो बिल्कुल है। अब है ना मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, अल्टीमेट तरीका, सुनना मेरी बात। अपन ने इतना तो ब्रेक कर लिया है कि यहाँ पर ए बाई टू आएगा, ए बाई टू आएगा, और कॉस होगा तो साइन का ए बाई टू आएगा, साइन होगा तो कॉस का आएगा। ये कब होता है, जब आप यहाँ पर ए लिख रहे हो तो यहाँ पर उसका हाफ आएगा, मतलब आप ट्राइंगल के ही एंगल लिख रहे हो। अब जो साइन वाला सिग्मा सीरीज होता है ना, उसमें हमेशा 4π आता है, 4π वॉट एवर, यहाँ पर भी देखो सामने 4π वॉट एवर। अब यहाँ पे वॉट एवर कहने का मतलब बड़ा आसान है कि साइन 2a लिखा मैंने अगर, तो सारे साइन का हाफ एंगल आ जाएगा, ये इसका मतलब 2a का हाफ, 2a का हाफ कितना होता है a, तो साइन a, फिर 2b का हाफ साइन b, 2b का हाफ c तो उसका साइन c, उन सबका प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है, साइन में क्या हो रहा है 4π से डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है, कॉस में क्या हो रहा है 1 प्लस 4π आ रहा है ना, बस यहाँ पे कॉस 2a में माइनस आ रहा है। तो थोड़ा सा अपन मेहनत करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, आप इनको लिख लो अच्छे से और दीवार पे लगा लो। मेरे को पता है याद करना मुश्किल होता है, इट इज नॉट वेरी इजी टू रिमेम्बर, बट हम लोग कर सकते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं हमने क्या किया था। मैं आपको थोड़े से और चैलेंजिंग क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब यही वाला जो क्वेश्चन है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन, इसको ऑब्जेक्टिव में अगर देना, सेम क्वेश्चन एक बार देखो इस क्वेश्चन को, जल्दी से पढ़ो फटाफट, क्या लिखा है यहाँ पे, साइन क्यूब ए कॉस बी माइनस सी, साइन क्यूब बी कॉस सी माइनस ए, साइन क्यूब सी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 sin ए sin बी sin सी। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव में दे सकता हूँ, देखिए सेम क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव कैसे देंगे अपन, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, जैसे अपन ने देखा इन ए ट्राइंगल ए बी सी, तो अपने को समझ जाना है ट्राइंगल, सॉरी कंडीशनल आइडेंटिटी की बात हो रही है, कंडीशनल आइडेंटिटी की बात हो रही है इन अ ट्राइंगल ए बी सी। आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अच्छा पहले प्रूव करना था, अब प्रूव नहीं करना है, अब आपको इवेल्युएट करना है, या तो फाइंड अ वैल्यू, या तो डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, साइन ए साइन बी साइन सी, अपॉन, लिखो मेरे साथ साथ, साइन ए साइन बी साइन सी अपॉन साइन क्यूब ए कॉस बी माइनस सी। प्लस साइन क्यूब बी कॉस सी माइनस ए, प्लस साइन क्यूब सी जस्ट अ मिनट, ओके, साइन क्यूब सी इंटू कॉस सी माइनस ए, क्या हो गया सत्यजीत, आज काफी लेट हो गया जाने में, इसका वैल्यू आपको निकालना है। हाँ बोलो, सर एक्चुअली इशू आ रहा था। ओके अभी सॉल्व हो गया ना, नो सर, मतलब मैं कंप्यूटर नहीं था, आईपैड से ट्राई कर रहा था, पर फिर ऐप से कर दिया मोबाइल से। ओके ओके कोई बात नहीं, मैंने बोला तो था मुझे मैसेज करो, किया नहीं था क्या आप लोगों ने, सर मैंने किया। ओके मैंने देखा नहीं ना, आई एम सॉरी। दिशिका इज ऑल्सो फेसिंग इश्यूज, रुको मैं मैसेज कर देता हूँ उसको।
ओके सॉरी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो पहले, इसमें चार ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, है ना। ओके आई एम सॉरी, एक्चुअली बच्चों के ही मैसेज आ रहे हैं तो। हाँ देखो इसको सॉल्व करो, क्या ये सेम क्वेश्चन था? अरे ये जो साइन है, साइन है, साइन भी साइन सी था, उसके नीचे मैंने ये पूरा आइटम डाल दिया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड, उस 3 को मैंने के बोल दिया। या पता नहीं जो भी है, मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है बस, तो ऐसा आ जाएगा आपके सामने क्वेश्चन, आप सॉल्व कर सकते हो इसको आराम से, राइट? यू कैन इजिली सॉल्व इट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट मैं आपको इसका एक अल्टीमेट ट्रिक बताता हूँ, कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्योंकि अपन अभी ऑब्जेक्टिव पैटर्न देखेंगे ना, तो हमें इसका अल्टीमेट ट्रिक समझते हैं। लिखिएगा मेरे साथ, है ना, राइट द अल्टीमेट ट्रिक। द अल्टीमेट ट्रिक इज कि सुनो मेरी बात, हर कोई, हर किसी का ध्यान आगे होना चाहिए, अगर आपने ये सुन लिया तो आपको बहुत फायदा होगा। कभी भी जैसे कि अपने को ये आता है ना इन ए ट्राइंगल ABC, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको इतना तो पता है कि ए बी और सी का सम 180 होगा, तो आपने इसको प्रूव कर दिया था। अभी नीचे वाला क्वेश्चन है इसको भूल जाओ, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो, सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन को। तो आपने कंडीशनल, ये क्या है, कंडीशनल आइडेंटिटी तो है, बिकॉज इट इज ट्रू। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वो सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है गिवन सिनेरियो में। यहाँ पे गिवन सिनेरियो क्या है, ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, उस ट्राइंगल में ABC एंगल कोई भी हो सकते हैं, उन एंगल ABC के लिए अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये वाली चीज जो होगी LHS RHS इक्वल आएगा, मतलब दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ ABC, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ABC जो एक ट्राइंगल में पाए जाते हैं। ट्राइंगल का कोई भी कॉम्बिनेशन बोल दो, मान लो मैंने सत्यजीत से पूछा कि ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन क्या है, तो सत्यजीत विल से लाइक 90 50 एंड 40, इज ही राइट? ही इज राइट, क्योंकि 90 50 40 विल फॉर्म अ ट्राइंगल, 180 उनका सम होता है। मान लो मैं विनायक से पूछता हूँ कि आप बताइए मुझे कोई ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन, तो ही माइट से 60 40 एंड 80, वो भी सही है, 60 40 80 प्रोसेस कर पा रहा है आपका ब्रेन में, लिखूंगा कुछ भी नहीं, जल्दी से दिमाग लगाओ अपना, ठीक है? तो यार ये भी एक ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है, या कोई भी ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन हो उसके लिए ये वाला LHS और ये वाला RHS इक्वल आ रहा है, आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, कोई भी ट्राइंगल के कॉम्बिनेशन में से एक बहुत खूबसूरत ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन निकालकर यहाँ पे पुट कर देते ABC की वैल्यूज, ये सारे ABC के लिए ट्रू आएगा LHS RHS, तो उस पर्टिकुलर खूबसूरत कॉम्बिनेशन के लिए भी ट्रू आएगा। आप बताइए दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्राइंगल कौन सा होता है, दुनिया का सबसे सुंदर ट्राइंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेरी गुड। तो अगर ये सारे ABC के लिए ट्रू है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए भी ट्रू होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, हमने तो इसको प्रूफ किया है, देखो ना लास्ट लाइन तक हमने इसको प्रूफ किया है। अच्छा एक्चुअली आई डिडंट सॉल्व इट यस्टरडे, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, आई विल डू दैट, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट एट ऑल वरी अबाउट इट, मेरे को जस्ट याद आया, सो आई विल सॉल्व इट, एंड मैंने आपको होमवर्क दे दिया था वैसे तो, खैर, सो यू आर सपोज टू सॉल्व इट योरसेल्फ, बट मान लेते हैं आपने सॉल्व कर लिया, आपने हेंस प्रूफ लिख दिया लास्ट में, तो ये प्रूव हो गया, सारे ABC के लिए प्रूव हो गया, तो ये कोई भी पेयर ऑफ या कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ ABC के लिए ट्रू होगा, तो 60 60 60 के लिए भी ट्रू होगा, तो क्यों ना हम इसमें 60 60 60 पुट कर दे और अपना आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें ABC सबकी जगह 60 60 60 पुट कर दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, करके देख लो, तो सुपर ट्रिक होती है इसमें कंडीशनल आइडेंटिटी में, सुपर ट्रिक, कि इफ गिवन, ऐसा गिवन हो ना कि इन ट्राइंगल ABC, इफ गिवन इन ट्राइंगल ABC क्या करेंगे अपन, पुट ABC ऑल 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि यार आप चाहो तो कुछ और पुट कर दो,
ठीक है, आपका मन है आप तो ए को 40 रख दो, बी को 60 रख दो और सी को 80 रख दो। अब ये तीनों वैल्यू घटिया है। 40 का अपने को साइन और कॉस वैल्यू पता नहीं होता है, 60 का भी पता, 60 का होता है, 80 का पता नहीं होता है। तो यार ऐसा वैल्यू रखो ना जो सुंदर भी हो, इसका सबको वैल्यू पता हो। व्हाई नॉट विल पुट इट इन दिस वे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 60, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60। तो आप 60 60 60 पुट कर रहे हो तो क्या आंसर आ रहा है बताइए मुझे। एनीवन, ऊपर आ रहा है साइन 60 साइन 60 साइन 60, 3 दफे साइन 60 आ रहा है। तो साइन 60 अगर 3 दफे आ रहा है तो के इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री का क्यूब, और नीचे अगर अपन पुट करेंगे 60, यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60, यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 माइनस 60 जीरो। तो क्या आपको ये चीज नजर आ रही है, साइन क्यूब ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ जीरो तो 1 होता है, भूल जाओ उसको, कॉस 0 इज 1। तो साइन क्यूब 60 डिग्री 3 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आएगा, फिर यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, तो 3 बार साइन क्यूब 60 लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो साइन क्यूब 60 ऊपर और साइन क्यूब 60 नीचे कट जाएगा। तो नहीं, आपका आंसर डायरेक्टली कितनी देर लगे आपको, 5 सेकंड में आपका आंसर 1/3 आ गया, बस टिक कर दिया अपन ने। तो ऑब्जेक्टिव में तो अपन फटाफट ट्रिक लगा सकते हैं, नो वन इज गोइंग टू आस्क कि कैसे सॉल्व किया, आपका आंसर आना चाहिए बस। ठीक है, इसको लिख लो, दिस इज वेरी 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 गुड ट्रिक। सो दिस इज दिस वैलिड फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एटलीस्ट विच आर ऑब्जेक्टिव, उनमें तो वैलिड है। अगर आपको बोलता है कि प्रूव दैट, प्रूव दैट, तो आपको देखो यार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं आपको सच बताऊं बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा ना तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, वो आराम से प्रूव हो जाएगा। तो आपको अगर जेई का एग्जाम देना है तो उसमें तो आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने वाला है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, यहां तक पहले लिख लो आप, मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ पहले। ठीक है, आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन। आई नो दैट ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उसका प्रूफ आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था, बट मेरी जिम्मेदारी में उसको एक बार और बता देता हूँ क्लास में, किसी बच्चे को डाउट रहा हो तो। सो आई विल एक्सप्लेन दैट टू, डोंट वरी अबाउट इट। पहले यहां तक आप लिख लो अच्छे से, समझ में आ रहा है कर क्या रहा हूं मैं। आप ट्रायंगल का कोई भी कॉम्बिनेशन डाल सकते हो एंगल्स का, मैंने उसमें से सबसे प्यारा कॉम्बिनेशन 60 60 60 डाला है। और मजे की बात क्या है पता है, आप अगर 60 की जगह कुछ और भी डालते ना, अगर कोई और कॉम्बिनेशन डालते, मान लो आप ऐसा डाल देते 20 80 और 80, तो भी आपका आंसर 1/3 ही आता, बट उस केस में आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ता या गूगल यूज करना पड़ता, ताकि आप साइन 20 का वैल्यू, कॉस 80 या फिर साइन 20, वॉट एवर इज कमिंग आउट, उसका वैल्यू गूगल से लिख पाओ, फिर उनको पुट करो। बट समझ रहे हो आप मेरी बात को, ऐसा वैल्यू डाल, 60 90 30। 60 90 30 भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन नथिंग इज बेटर देन ऑल 60, लफड़ा ही खत्म ना 60 60 60 में। एक और देता हूं मैं आपको क्वेश्चन, ओके लिखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देखो ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि एक ट्रायंगल के अंदर के एंगल है, यहाँ पर साफ साफ झलक रहा है कि ये ट्रायंगल्स के एंगल है, बिकॉज उनका सम 180 हो रहा है। सो प्रूव दैट तो मैं नहीं दूंगा आपको, आई वॉन्ट बी गिविंग प्रूव दैट, आई विल डायरेक्टली से द वैल्यू ऑफ, ये अब चलो डायरेक्टली लिखते हैं ना, लिखो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। माइनस कोजेक ए इंटू कोजेक बी इंटू कोजेक सी होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी, कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। ठीक है, इसका वैल्यू आपको इवेल्युएट करना है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 2 -1 -2 और +1। ठीक है, करो, आपको तो सुपर ट्रिक पता है, बिल्कुल इधर उधर से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज द सुपर ट्रिक एंड मूव अहेड। एक ही क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ी ना पूरा टाइम वेस्ट करना है अपने को।
आया किसी का आंसर? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार। चलो फाइनली वन आंसर करेक्ट है आपका, सकेत। आपका भी करेक्ट है कोमल। देखिए आपको सुपर ट्रिक पता है ना, व्हाट इज द सुपर ट्रिक फॉर सच क्वेश्चंस? द सुपर ट्रिक इज कि पुट ए बी सी ऑल एज 60 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू ना ए बी सी के किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू होगा, तो 60 के लिए भी ट्रू होगा। तो अपन कॉट 60 का वैल्यू बताइए मुझे क्या होता है। कॉट 60 इज 1/√3, ये भी 1/√3, ये भी 1/√3। कितने बार 1/√3 आया? 3 बार। तो क्या मैं इसको 3/√3 लिख दूंगा? क्या मैं इसको 3/√3 लिख दूंगा? और 3/√3 √3 ही होता है, ठीक है? कैच करना वरना फिर पीछे रह जाओगे। कोसेक की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 60। अच्छा कोसेक 60 कितना होता है? √3/2 का उल्टा ना, 2/√3। अरे साइन 60 कितना? √3/2 उसका 2/√3, 2/√3, 2/√3 कितना आ गया? 8/√3। और नीचे आ जाएगा कॉट ए कॉट बी कॉट सी। तो फिर से अपन कॉट ए का वैल्यू कितना होता है? कॉट 60, सॉरी कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। तो 1/3√3 आ जा रहा है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या किया अपन यहाँ पर। एलसीएम ले लो, ऊपर ऊपर एलसीएम ले लोगे तो 3√3 × √3 आ जाएगा। 3 × 3 दैट इज 9, 9 - 8। अपॉन 1 / 3√3, ये 3√3 डिनोमिनेटर वाला तो कटेगा। 9 - 8 / 1 इज 9 - 8, सिंपली 9 - 8 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। कितना टाइम लगा? हार्डली 30 सेकेंड्स लगना चाहिए आपको तो एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फिर से कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको आइडेंटिटी याद नहीं हो या प्रूफ नहीं करना चाहते हो तो आप मेरी सुपर ट्रिक यूज करो, ठीक है? देखो कॉज ए अपॉन साइन बी साइन सी, प्लस कॉज बी अपॉन साइन सी साइन है, कॉस सी अपॉन साइन ए साइन बी। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर आ गया, इतनी जल्दी ही आना चाहिए, इससे ज्यादा देर लग रही तो कोई मजा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही है अभी तक, जितने भी आंसर आए ऑल आर करेक्ट। एक और करो, ऊपर वाला बताता हूं मैं, पहले ये वाला कर लो।
सेम टाइप का क्वेश्चन है. इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए देन इवैल्यूएट. अच्छा मेरे को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए ना. अभी मैं रैंडमली किसी से पूछ लूंगा तो उसको आना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को. लिखो टेन थ्री ए प्लस टेन थ्री बी प्लस टेन थ्री सी. डिवाइडेड बाय टेन थ्री ए इंटू टेन थ्री बी इंटू टेन थ्री सी. क्या आप इसका वैल्यू एवेल्यूएट कर सकते हो? यस व्हाई नॉट. सेम ऑप्शंस जो ऊपर थे एकदम सेम. देखो सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, यूट्यूब पर भी अपलोड हो चुके हैं और आपके एप्लीकेशन पर भी अपलोड हो चुके हैं. जो कोचिंग का नया ऐप है उस पर भी अपलोड हो चुके हैं. तो आप एप्लीकेशन पर जाइए, हिस्ट्री पर जाइए और अपलोड हो जाएगा, आपको मिलेगा वहाँ पर. ओके कोमल कैसे सेकंड वाला कैसे सॉल्व किया आपने बताइए मुझे. मैंने तीनों एंगल 60 डिग्री दिए। तो उसके बाद क्या आया ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनेगा? टेन ऑफ 180 है ना. ऊपर न्यूमरेटर में फिर सर 3√3 प्लस 3√3 प्लस 3√3 और नीचे 3√3 थ्री रूट थ्री कैसे आया? सर उसका क्यूब। सर मैंने बोला ना मैंने 60 डिग्री लिया है। नहीं तुमने 60 लिया वो सही है, बट व्हाट अबाउट दिस, इसका वैल्यू क्या आएगा? सब का वैल्यू 3√3 आएगा ना क्योंकि ए तो 60 डिग्री ना। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है? 3a. 3a हाँ कितना तो हो जाए? फिर 3√3 3 × √3 नो, ऐसे थोड़ी. अरे न्यूमेरिक टर्म में चेक करती हूँ। टेन 3a का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो 3 tan है. इट डजंट मीन दिस. टेन 3 मतलब वो चलो ऊपर वाला मैं कोशिश करता हूँ, नीचे वाला आप कोशिश करो. ओके आप 60 60 60 जरूर पुट करें, लेकिन कभी कभी आप है ना मुश्किल में पड़ोगे. नहीं सर तो शायद नॉट डिफाइंड ही है उस क्वेश्चन का। एक्चुअली ऊपर वाला सॉल्व कर लेते पहले, फिर नीचे वाला देखते हैं. एक मिनट रुको. देखो कई बार क्या होता है ना कि आपको ऐसा ऑप्शन में तो साफ साफ बोल दिया उसने कि ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो आंसर आ रहा है, ऑप्शन में तो कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है अपना. तो ओरिजिनल में नॉट डिफाइंड, पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, 60 60 60 पुट करके देख लो, कोई आपत्ति तो नहीं हो रही है. तो 60 60 60 अगर अपन ने पुट करके देखा तो कॉस 60 ऊपर और नीचे साइन 60 साइन 60. साइन 60 कितना होता है? √3/2. तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4.
और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, हाफ। तो ये लिखेंगे अपन हाफ और नीचे आ जाएगा 3/4। इज दैट ओके? एक्सक्यूज मी, द सेम इज गोइंग टू हैपन विद दीज टू एज वेल। तो हाफ अपॉन 3/4 और ये हो जाएगा हाफ अपॉन 3/4। अच्छा, तो मतलब 3 times हाफ अपॉन 3/4, तो हाफ अपॉन 3/4 मतलब हाफ इंटू 4/3। ठीक है, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, फाइनली अपना आंसर आ जाएगा 2, जिसका आंसर होता है ए। चेक करो जल्दी से, मैंने क्या करा है, पुट ए बी और सी, इन सबको 60 degree डाला है। लिख लो यहां तक। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ना 60 वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, 60 वाली ट्रिक आपको धोखा दे देगी। वो धोखा क्यों देगी, क्योंकि ऊपर भी नीचे और नीचे भी जीरो आ जाएगा। अब जहां यहाँ पे 60 डालोगे ना, तो टेन ऑफ 180 आ जाएगा। टेन ऑफ 180 कितना होता है, जीरो। तो ऊपर आ गया 0 0 0 और नीचे भी क्या आ जाएगा, 0 × 0 × 0। ये तो नॉट डिफाइंड आ गया। नॉट डिफाइंड नहीं होता है वैसे, 0/0 इनडिटर्मिनेट होता है। थोड़ा सा फर्क होता है नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेट में, खैर आपको उसका भी लोड नहीं लेना है। आप अब ये बताइए कि ऑप्शन में तो आपको सारे फाइनाइट क्वांटिटी दिए हुए हैं, तो इसका आंसर तो मतलब कुछ आ रहा है। देखो होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात। 0/0 इज नॉट नॉट डिफाइंड, इट इज इनडिटर्मिनेट। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कि कैसे कैंसिल करो। 0 और 0 को आप बहुत सारी तरह से कैंसिल कर सकते हैं। 0 ones are 0, 0 × 1.1 इज ऑल्सो 0, 0 × 1.2 इज ऑल्सो 0। तो वी कैन हैव इनफाइनाइट आंसर। 0 × 2 इज ऑल्सो 0। तो कैसे कैंसिल करें अपने को समझ में नहीं आ रहा। इसका आंसर तो आएगा, बट वी डोंट नो कि क्या आएगा। इट इज इनडिटर्मिनेट। ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट, ये भी एक अच्छा तरीका है बोलने का, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज वो तो सिर्फ 60 के केस में 0/0 आ रहा है ना, हर बार थोड़ी 0/0 आएगा। पुट एनी अदर एंगल, अब 90, 30 और 60 डालकर देख लो, एक ही चीज थोड़ी ना। 90, 30, 60 डालेंगे तो भी एक तो जीरो आ ही जाएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जीरो आएगा। 90 × 3 ना, 10, 90 नॉट डिफाइंड होता है वैसे। सर 90, 45, 45 कर सकते हैं। नहीं, 45 करके देखो, 90 पे तो 10 नॉट डिफाइंड होता है ना यार। 9 × 3 = 27, 27 मतलब 270, 270 पे भी नॉट डिफाइंड होगा। सही है, 270 पे भी नॉट डिफाइंड। फिर से हमको 15 वगैरह कुछ लेना पड़ेगा क्या, 75 ऐसे? हाँ, मतलब आप जुगाड़ तो लगा सकते हो बहुत सारे, थोड़ा आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। 0/0 तो वो बस 60 के केस में आ रहा है ना। तो वो 0/0 ऐसा भी नहीं कि 60 के केस में आंसर नहीं आ रहा है। 60 के केस में वो इनडिटर्मिनेट, वी कैन नॉट से कि आंसर क्या है। आंसर है बट पता नहीं क्या है। बहुत सारे आंसर अपने को लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसका आंसर डिफाइंड ही नहीं है। इट इज डिफाइंड। 0/0 जो होता है उसको अपन डिफाइन करेंगे। एक चैप्टर होता है जो अपन क्लास 12th में पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है लिमिट्स। ठीक है, देखो तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप है ना, आपको ये आइडेंटिटी पता है किसी को, टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? एनी वन हु रिमेम्बर्स दिस आइडेंटिटी? Yes, sir. अच्छा सुनो 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 सुनो, टेन ए बी सी की जगह मैं ना पी क्यू आर लिख देता हूँ। हाँ बताओ, पी क्यू बताओ मुझे क्या नाम है विनायक। हाँ सर, टेन पी प्लस टेन क्यू प्लस टेन आर माइनस टेन पी टेन क्यू टेन आर अपॉन अपॉन वन माइनस इन ब्रैकेट टेन पी टेन क्यू प्लस टेन क्यू टेन आर प्लस टेन आर टेन पी। सही 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 सही,
सारे टेन का सम, फिर सारे टेन का प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद वन माइनस डिफरेंस टेकन टू एट ए टाइम, मतलब टेन पी टेन क्यू माइनस टेन क्यू टेन आर माइनस टेन आर टेन पी। ठीक है, सुनो अब ध्यान से मेरी बात। मान लो इसका आंसर जो है, या आप ऐसा देख लो कि अगर मैं यहां पर पी क्यू आर की वैल्यू ऐसे पुट करूं, इफ आई पुट पी क्यू एंड आर सच दैट, जैसे यहां पर क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है ना, चलो मैं पी की जगह अगर थ्री ए डाल देता हूं। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे अपन अलग से, क्योंकि यहां पर है ना, देखो सुनो मेरी बात, सारे टेन का सम और उन्हीं टेन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो देखकर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सारे टेन का सम और प्रोडक्ट तो इसी फॉर्मूले में आता था, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑल द सम ऑफ टेन एंगल्स एंड ऑल द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ टेन एंगल्स दिया हुआ है, लेकिन जो सम जिस एंगल्स का हो रहा है, जिस एंगल का टेन वैल्यू है ना, किसका है, थ्री ए का है, ए का नहीं है, तो ये थ्री बी है और ये थ्री सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी की जगह थ्री ए और क्यू की जगह थ्री बी और आर की जगह थ्री सी पुट करके देखेंगे, तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, आप ये देखें। सबसे पहले एलएचएस को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे पी की जगह थ्री ए डाल दोगे तो एलएचएस में आ जाएगा थ्री ए, क्यू की जगह थ्री बी और आर की जगह थ्री सी। ठीक है, और आरएचएस में क्या आ जाएगा वो देखते हैं अपन। आरएचएस में भी दुनिया में जहां जहां पी है वहां पे अपन थ्री ए डाल देंगे, है ना, और क्यू की जगह थ्री बी डाल देंगे और आर की जगह थ्री सी डाल देंगे। आएगा धीरे से समझ में आएगा, थोड़ा सा ये इस ट्रिक का हल्का सा डिसएडवांटेज मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है, एंड इट विल बी वेरी रेयर, 1% ऑफ द चांसेस रहेगी कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, टेन थ्री ए टेन थ्री बी टेन थ्री सी। अच्छा, और नीचे भी कुछ कुछ आएगा, आई एम एक्चुअली नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। तो वन माइनस टेन पी, समझ रहे हो ना आप लोग, भावनाओं को लिख लेना उसको, यू कैन राइट इट योर सेल्फ। ठीक है, राइट इट योर सेल्फ, आई एम नॉट एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड इन इट। बेटे आप मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी क्या गिवन है, पाई। अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई गिवन है तो थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी कितना हो जाएगा, एनी वन वुड लाइक टू हेल्प मी, थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी क्या हो जाएगा, 3 पाई। थ्री पाई हो जाएगा, राइट। अच्छा, थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, यहाँ पर आप थ्री पाई पुट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे एलएचएस में थ्री पाई पुट करोगे तो टेन ऑफ थ्री पाई कितना हो जाएगा। अच्छा सुनो, आपने ट्रिग्नोमेट्री फेज वन पढ़ा है, सबने सबको मैंने बताया कि ये वाली लाइन होती है वन पाई, ये वाली लाइन होती है थ्री पाई, नॉट वन पाई, मैंने गलत बोल दिया, जीरो होता है ये, वन पाई होता है और ये टू पाई होता है ना, फिर ये थ्री पाई होता है, ये ऑड पाई होता है, ये इवन पाई होता है। एनीवे ये ऑड पाई होता है ना, ये वाली लाइन, तो इस वाली लाइन पर कौन जीरो होता है, साइन। तो यहाँ साइन जीरो का टेन तो जीरो हो गई होगा, तो टेन ऑफ थ्री पाई क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में जीरो लिखा हुआ है, यहाँ मैं सेंस लिख देता हूँ ताकि वो ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन हो जाए। अरे एलएचएस जीरो आएगा ना, तो इसका मतलब आरएचएस भी जीरो है। अब कोई भी क्वांटिटी अगर जीरो होती है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका न्यूमरेटर जीरो है। ओके, तो उसका न्यूमरेटर जीरो रहा होगा, तो अगर उसका न्यूमरेटर जीरो रहा होगा तो देयर फॉर इट इम्प्लाइज दैट टेन थ्री ए का समेशन, मतलब टेन थ्री ए प्लस टेन थ्री बी प्लस टेन थ्री सी माइनस टेन थ्री ए टेन थ्री बी टेन थ्री सी, ये जीरो रहा होगा। न्यूमरेटर ही जीरो बनाता है क्वांटिटी को, डिनोमिनेटर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इस कारण मैंने डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखा ही नहीं। आप पूरा लिख लो खुद से, डिनोमिनेटर उसका काम नहीं आएगा। ठीक है, टेन थ्री बी टेन थ्री सी और टेन थ्री सी टेन थ्री ए, बस हो गया, इसका कोई काम नहीं आएगा, मतलब न्यूमरेटर जीरो है। इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि टेन थ्री ए का समेशन इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टेन थ्री ए।
आई होप आपको मेरी भावनाएं समझ में आ रही है मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। समेशन और प्रोडक्ट का जो सिंबल है वो हमारी एज के हिसाब से थोड़ा सा एडवांस है। अभी अभी आपको एक दो चैप्टर और लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। समेशन हम जानते हैं बट पाई आपको नहीं पता है, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ी सी कोशिश करी बताने की, वही चीज़ लिखी हुई है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है सुनो। देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट समेशन टैन थ्री ए, मतलब टैन थ्री ए प्लस टैन थ्री बी प्लस टैन सी थ्री सी अपॉन पाई टैन थ्री ए, ये क्या आ जाएगा, ये वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वही तो लिखा है, सेम चीज वन के बराबर आ रही है, आंसर वन आ जाएगा। तो आपका 60 वाले ट्रिक है ना यहाँ पर फेल हो गया था। तो ट्रिक के भी कुछ कुछ थोड़े से डिसएडवांटेज होते हैं, ऐसा हर बार फेल नहीं होगा, बहुत रेयरली 1% ऑफ द चांसेस में आपको क्वेश्चन देने वाला फंसा सकता है। मैंने आपको उसके लिए पहले ही वार्निंग दे दी है, ऐसा नहीं होगी मैं आपको ट्रिक बता दूं आप एग्जाम में जा रहे हो 0/0 आ जाए फिर आप मुझे एग्जाम में गाली दोगे कि सर ने ट्रिक बताई थी फेल हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। सर की ट्रिक के जो भी शॉर्टकमिंग्स है वो सर वहीं की वहीं बता देंगे आपको। तो एक शॉर्टकमिंग है वो अपन ने देख लिया है, और बहुत रेयरली होगा, और हो भी गया तो बहुत रियल केसेस में होगा, बहुत मतलब बहुत इजी केसेस में होगा। जैसे यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाओ साकेत, है ना, यहाँ पर क्या है कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा था कि समेशन ऑफ टेन और प्रोडक्ट ऑफ टेन, तो मैंने यहाँ पे टेन थ्री वाला फॉर्मूला यूज करा बिकॉज मेरे को फील आ गया कि ये वाला फॉर्मूला यूज करने में हमारा फायदा होगा, यहीं पे सारे टेन का सम आता है, यहीं पे प्रोडक्ट आता है, बस एंगल थ्री ए थ्री बी थ्री सी है, इज इट ओके। हाँ जी ये चीज लिख लो आप, यस टेल मी साकेत, आप पूछिए। नहीं सर सॉरी गलती से हो गया। अच्छा, ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आपको बस इतना ही चैलेंज मिलेगा, इससे मुश्किल क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा। ट्रिक लगाइए बिंदास, 0/0 आ गया तो थोड़ा सा और दिमाग लगाना होता है, लगा लेना, और पुट एनी अदर कॉम्बिनेशन 90 45 45, ट्राई एनी कॉम्बिनेशन यार, एक ही कॉम्बिनेशन थोड़ी है इस दुनिया में। ठीक है, कभी 60 60 60 में फंस जाओ ना तो आपको पता होना चाहिए दिस इज ट्रू फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी। तो आई होप यू हैव रिटन इट, इफ यू हैवंट रिटन आई विल गिव यू सम मोर टाइम, फिर अपन करेंगे रेंज ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। आगे बढ़ते हैं ना, तो ये हमारा लास्ट सेकेंड टॉपिक है। देखिए फाइंडिंग रेंज, ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है मैं बताता हूं आपको, है ना। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ओके मैं आपकी क्लासेस थोड़ी सी जल्दी छोड़ दूंगा 5 मिनट पहले, ओके। देखिए इसमें क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होता है वो अलजेब्रा का, लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्री की मदद अपने को लेनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द रेंज ऑफ एनीथिंग एनीथिंग अंडर द स्काई, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ दे दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन देखो आप, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देखेंगे। कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो आपको इसका रेंज फाइंड करना है। अब यहाँ पे दूर दूर तक आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखाई नहीं दे रही है, कुछ भी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक कोसेक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग एक्स एंड वाई, और उसमें भी अगर बोला है कि ये ट्रू है तो इसका रेंज निकाल के बताओ। रेंज में नहीं, चलो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, वी डू ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। क्या करते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, है ना। मैं आपको ढंग से क्वेश्चन दे देता हूँ, ढंग से क्वेश्चन दे देता हूँ, और पहले उसके मैं बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है आपको। तो सम सब्स्टिट्यूशंस टू बी यूज्ड, ठीक है, लिखो सम गुड सब्स्टिट्यूशंस। कभी भी आपको ऐसा दिखे कि समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर 1 हो रहा है, नहीं सुना आपने, प्लीज सुनो मेरी बात। कभी भी आपको ऐसा दिखे कि समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर 1 हो रहा है, तो आप बताइए मेरे को कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी इसको सेटिस्फाई कर सकती है, मतलब इसके जैसी दिख रही है। साइन साइन स्क्वायर, स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाँ स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होता है। मतलब एक्स की जगह अगर आपने साइन थीटा और वाई की जगह पर ने वाई कॉस थीटा रख दिया, फॉर सम थीटा, कोई भी थीटा हो सकता है यार, कोई भी थीटा इन दिस वर्ल्ड, अगर ऐसा अपन ने रख दिया तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या करा करो, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दिया करो, वाई की जगह कॉस थीटा पुट कर दिया करो, तो उससे होगा क्या कि ये साइन थीटा कॉस थीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी थीटा के लिए, अरे कोई भी थीटा यार, कितने थीटा तो डाल सकते हो आप, कोई भी थीटा के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा कर देने से क्या होगा, अब आपका क्वेश्चन अल्जेब्रा से ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। अब आप दुनिया में जहां जहां एक्स दिखाई देगा आपको, वहां वहां साइन थीटा पुट करो, वाई की जगह कॉस थीटा पुट करो, और क्वेश्चन अब ट्रिग्नोमेट्री का हो जाएगा। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालना जानते हो, वो अपन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। अच्छा सुनो मेरी बात, यहां पर एक और मैं बताता हूं आपको, अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए ना, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी काफी हद तक वही चीज है, आई शुड नॉट बी राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, बट फिर भी चलो लिख दिया तो लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट से 16 मिल जाएगा आपको, 16 मतलब ये 4 का स्क्वायर है, मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि हम लोग समझ सके। इस केस में आप क्या सब्स्टिट्यूशन करो, सोचो, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है। एक्स की जगह आप डाल दोगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, और वाई की जगह डाल दोगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, कुछ भी सोचो। यहाँ पे आपने डाला ए साइन थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आपने डाल दिया ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एलएचएस आ जाएगा ए स्क्वायर, और आरएचएस भी ए स्क्वायर ही है, आ गया ना आपका आंसर, ए स्क्वायर स्क्वायर। तो मतलब जब आरएचएस में 1 नहीं हो तो ए स्क्वायर कुछ गिवन होगा, आप उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करें, ठीक है। अच्छा मान लो आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, कोई मेरी हेल्प करेगा। सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर हाँ, थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यस, दो दो ऑप्शन है अपने पास, तो अपन ए की जगह डाल सकते हैं, सॉरी एक्स की जगह डाल सकते हैं सेक सेक थीटा, और वाई की जगह डाल सकते हैं अपन टेन थीटा, ठीक है। और मे बी यू कैन ऑल्सो पुट कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है ना, तो कोसेक थीटा डाल सकते हो आप एक्स की जगह, फॉर एनी थीटा, फॉर एनी थीटा, और वाई की जगह आप क्या डाल सकते हो, कॉट थीटा डाल सकते हो, ठीक है। सबको क्लियर है यहां तक,
अच्छा सुनो, अब यहीं पे है ना, थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ, रोने मत लग जाना। देखो ये माइनस वाई स्क्वायर है ना, अगर मैं इसको आरएचएस में भेज देता हूँ तो क्या बनता है, वन प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा तो आपको कभी भी ऐसा दिखे ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर या वन प्लस वाई स्क्वायर, तो भी आप सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उस केस में आप सब्स्टिट्यूशन करोगे एक्स की जगह टैन थीटा। अरे आइडेंटिटी जो इससे मिलती जुलती है वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अभी वन प्लस एक्स स्क्वायर से मिलता जुलता क्या है, जब अपन कक्षा 10वीं में तो क्या आपने पढ़ा था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, पढ़ा था। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, पढ़ा था ना। तो आप यहाँ पे एक्स की जगह टेन थीटा रख सकते हो, या फिर एक्स की जगह कॉट थीटा भी रख सकते हो, दोनों ही केसेस में आपका काम हो जाएगा। ये चाहो तो आप लिख लो यहाँ पे। तो ऐसा करने से सर फायदा क्या होगा, अरे यार वो तो क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा ना यार, ऐसे थोड़ी बता दूंगा मैं हवा में। यहां तक लिख लो, आप क्वेश्चन इसकी तरह से कर सकते हो। मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन देता हूं, लिखो, इफ एक्स स्क्वेयर बाय फोर प्लस वाई स्क्वेयर बाय नाइन दिस इज इक्वल टू वन, देन फाइंड द रेंज ऑफ, टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, इसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेते हैं, वी टेक हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, आपकी नजर पूरी तरह से स्क्रीन पर होनी चाहिए। कोई बच्चा मेरे को सब्स्टिट्यूशन से हेल्प करना चाहे तो यू आर फ्री टू डू। देखिए हम क्या करेंगे, एक्स बाय फोर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय फोर को, वाई नॉट। वाई स्क्वायर बाय नाइन को क्या मैं वाई बाय थ्री का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल, दिस इज इक्वल टू वन। बताइए समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर वन है, तो दोनों समथिंग को क्या पुट कर दूं मैं, पहला वाला समथिंग है एक्स बाय टू, हाँ तो पहला वाला समथिंग है एक्स बाय टू, इसको आप साइन थीटा डाल दो या इसको कॉस थीटा डाल दो, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, किसी को कुछ भी डाल दो यार, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने ऐसा पुट कर दिया, इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट, इट इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू टू साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू थ्री कॉस थीटा, ठीक है। साकेत आपका आंसर सही है, वेरी गुड। तो x की जगह आप सुनो मेरी बात, ये जो x के वैल्यूज है ना, ये x के वैल्यूज इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कोई भी थीटा हो यार, चाहे वो थीटा 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 55 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, फॉर एनी थीटा दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। तो आप है ना क्या कर सकते हो, एक्स की जगह टू साइन थीटा हमेशा आप लिख सकते हो। अब अपने को है ना एक तरीके से सुनो मेरी बात, हर कोई बहुत अच्छे सुनना, एक तरीके से अपने को x और y का वैल्यू ही मिल गया यार, x का वैल्यू 2 साइन थीटा जैसा होगा और y का वैल्यू 3 कॉस थीटा जैसा होगा फॉर एनी थीटा, तो ये x और y के वैल्यू ही मिल गए। अब आपको इसका रेंज फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे x और y की जगह ये वैल्यूज ही तो पुट कर सकते हो, उन्हीं का तो वैल्यू है एक तरीके से। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 2x प्लस वाई, ये एक्सप्रेशन ऐसे तो इसकी रेंज अपन नहीं बता सकते, बट अब बता सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स की जगह टू साइन थीटा पुट करोगे, तो टू टाइम्स एक्स प्लस वाई की जगह 3 cos थीटा, तो क्या आ जाएगा, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी रेंज तो कोई भी बता देगा, 1 cos थीटा प्लस 20 sin थीटा, इसकी रेंज तो आपकी घर की काम वाली बाई भी बता देगी। देखो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 25 का अंडर रूट, मतलब -5 to 5, ठीक है। तो 2x प्लस वाई की रेंज भी वही होगी, इज दैट ओके।
इसको कहते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेना। अपन ने हेल्प लिया है ट्रिग्नोमेट्री से। क्या हो गया रिया, आपको नींद आ गई थी क्या? काफी देर बाद रिकनेक्ट हुए। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो चलो पहले ये वाला ट्राई करो, फिर अपन ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उसको ट्राई करते हैं। मैं उसको फिक्स कर दूंगा जब तक, अगर हो सका तो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है ना, ध्यान से देखिएगा। ये तो खैर कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई इट आउट। ठीक है, एक आंसर आया है, सही है, बहुत जल्दी आ गया। ओके, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर 4 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह 2 कॉस थीटा और वाई की जगह 2 साइन थीटा डाल दो। आसानी तो है ये भी, क्या दिक्कत है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 आ जाएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर ही आ गया अपने पास में, एक्स और वाई का वैल्यू ये होगा 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा, यहाँ पे पुट कर दो। इसका एक्सप्रेशन का रेंज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, देखते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब तो यहां पे आ जाएगा 2 क्यूब कॉस क्यूब एक्स, 2 क्यूब कॉस क्यूब थीटा, यहां पे एक्स की जगह मैंने 2 कॉस थीटा डाल दिया, वाई की जगह 2 क्यूब साइन क्यूब थीटा डाल दिया, और एक्स प्लस वाई की जगह डाल दिया मैंने 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ऊपर से आप क्या कॉमन ले लोगे, 8, ऊपर से 8 कॉमन ले लोगे ना। आप चाहते तो इसको वैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सिंप्लीफाई कर सकते थे, आई जस्ट रियलाइज कि आप इसको ए क्यूब प्लस, कोई मुझे बताएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है? सर मैंने होल नहीं, इसकी अच्छी वाली आइडेंटिटी ये वाली होती, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ये ज्यादा अच्छी फैक्टराइज फॉर्म में ना, तो वी कैन राइट इट एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सर वो दूसरे वाले से भी सेम ही आता है बात? हाँ सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, हो सकता है समय थोड़ा सा कम ज्यादा लगे, ज्यादा ही लगेगा। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अपन क्या डालेंगे, टू कॉस थीटा, तो टू कॉस थीटा का स्क्वायर होता है फोर कॉस स्क्वायर थीटा। सर उसका वैल्यू सीधे दिया है ना क्वेश्चन में, फोर देख सकते हैं। हाँ ये भी कर सकते हो आप, बिल्कुल यू कैन डू दैट, बिकॉज वी नो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फोर है, तो क्यों ना अपन इसको डायरेक्टली फोर डाल दे, अल्टीमेटली फोर ही लिखेंगे, लेकिन चलो अब x इंटू वाई, एक्स को क्या डाला मैंने, टू कॉस थीटा, वाई को टू साइन थीटा, तो टू इंटू टू फोर साइन थीटा कॉस थीटा, फोर साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये फोर साइन थीटा कॉस थीटा में आप एक टू चुरा लो यहाँ पे और एक टू यहाँ पे, अब ये टू साइन थीटा कॉस थीटा कुछ होता है, क्या होता है ये, टू टाइम्स साइन टू थीटा। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दिस इज नाउ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, सो दिस विल बिकम फोर माइनस टू टाइम्स, आपको मैं बता चुका हूँ साइन के अंदर कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसका रेंज कभी भी चेंज नहीं होता है, उसका रेंज माइनस वन टू वन होता है, ठीक है, कुछ भी डाल दो आप उसके अंदर, तो माइनस वन टू वन रेंज हो गया और बाहर टू मल्टीप्लाइड है, तो टू को भी रेंज में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो माइनस टू से टू हो जाएगा। मैं आपको सिखा चुका हूँ अंदर अंदर कुछ भी डालने से रेंज नहीं बदलता है, हालांकि बाहर अपन ने टू मल्टीप्लाई करा है तो वो रेंज में मल्टीप्लाई हो गया। तो अब अपन रेंज निकालेंगे, तो फोर माइनस माइनस टू कितना होता है सिक्स, और फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, फोर माइनस टू इज टू, तो आपकी रेंज आ जाएगी सिक्स से लेकर टू, बट ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप सुंदर बना सकते हो। इसको सुंदर कैसे बनाओगे, छोटा नंबर पहले लिखो और बड़ा नंबर बाद में, रेंज छोटे से बड़ा होता है ना, बड़े से छोटा थोड़ी होता है, तो रेंज आ जाएगा टू से लेकर सिक्स, मतलब मैक्सिमम इसका वैल्यू आ रहा है सिक्स।